हेलो स्टूडेंट्स, आज हम खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। आज के भौतिकवादी युग में जो व्यक्ति है उसका अधिकांश समय जो है वो भागदौड़ में ही चला जाता है। जब से मशीनीकरण कंप्यूटरीकरण हुआ है तब से मनुष्य की जो जीवन शैली है वो पूरी तरीके से खराब हो गई है। मनुष्य जो है वो भी एक तरीके से मशीन की तरह सदैव कार्य करता रहता है, जिसका बहुत सारा विपरीत प्रभाव जो है वो उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे अनेक ऐसे रोगों में एकदम से वृद्धि हुई है जिनका पहले कभी किसी व्यक्ति ने नाम नहीं सुना था। यदि मधुमेह को ही ले लिया जाए तो पूरे विश्व में एक चुनौती बन गया है। तो डॉक्टरों का कहना है कि इसकी रोकथाम एवं इस पर काबू पाने का सरल एवं स्वाभाविक उपाय सैर करना है, अर्थात अपने शरीर को सक्रिय रखते हुए नागरिक मतलब उचित आहार का सेवन करना है। ऐसी स्थिति में शारीरिक जैसे शिक्षा जैसे विषय की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि प्रकृति में मनुष्य मनोभौतिक है, वे शरीर रखते हैं जो वृद्धि के निश्चित नियमों का पालन करते हैं। उनको अच्छे स्वास्थ्य तथा शारीरिक सुयोग्यता में ही रखा जाना चाहिए। मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। यूनेस्को की जो एक रिपोर्ट है वो भी इसी बात पर बल देती है कि जो प्रत्येक मनुष्य है उसकी शारीरिक शिक्षा तथा खेलों तक पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि आज भारत को भगवद गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्लेटो जो है उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विश्वास होता है। ये विभिन्न प्रकार के जो दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हैं। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषय जो होते हैं उनको पढ़ते हैं और ये हमारे जीवन यापन को पूरी तरीके से बदल भी सकता है। इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा, या पहला विषय आता है शारीरिक शिक्षा का शैक्षिक महत्व। शारीरिक शिक्षा जो है उसका अपना एक शैक्षिक महत्व है। जिस प्रकार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य सामान्य शिक्षा से बच्चे के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य में सहयोग देना है, यानी कि जो जिस प्रकार शिक्षा जो है वो उसका कार्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, वही शारीरिक शिक्षा जो है वो बच्चे में व्यवहार और उसका जो आचार विचार है उसमें परिवर्तन लाती है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतर्क होता है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालकों में ईमानदारी, बहादुरी, अनुशासन आदि जो स्वाभाविक गुण हैं उनका विकास होता है। इसके लिए बच्चे को किसी प्रकार की कोई शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बच्चा जब शारीरिक शिक्षा लेता है उसके माध्यम से जब बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं, खेलों के माध्यम से एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो बच्चों में स्वतः ही इन गुणों का विकास होने लगता है। दूसरा है व्यक्तित्व महत्व की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत बालक जो है उसमें शरीर की स्थूलता पर नियंत्रण, यानी कि उसे शरीर से संबंधित से कैलोरीज कितनी कैलोरीज देनी है, उसको कितना श्रम करना है, इस प्रकार के जो विषय होते हैं उन पर उसका कंट्रोल रहता है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें गंभीर बीमारियां जैसे हृदय रोग, जोड़ों का दर्द इत्यादि होती हैं। इसीलिए व्यक्ति की स्थूलता पर नियंत्रण के लिए शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम होना आवश्यक है। दूसरा है मस्तिष्क की सजगता में वृद्धि में सहायक। मनुष्य जो है उसके मस्तिष्क में जागरूकता और सजगता सदा विकास करती रहती है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक का जो मस्तिष्क है वो सदैव जागरूक रहता है और सजग रहता है, और उसकी जो एकाग्रता है, एकाग्र क्षमता जो है वो भी विकसित होती है। उसके बाद स्वास्थ्य तथा बीमारियों के बारे में जानकारी। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनकी जानकारी मिलती है, और उसके माध्यम से वो किस प्रकार उन बीमारियों से बच सकता है, किस प्रकार अपने आप को स्वस्थ रह सकता है, इसकी जानकारी जो है वो भी उसे शारीरिक शिक्षा के माध्यम से मिलती है। उसके बाद है व्यक्ति का संवेगात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा
या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति का संवेगात्मक विकास भी होता है। व्यक्ति में घबराहट, तनाव, दबाव, आक्रामकता, आत्मसमर्पण आदि से संबंधित जो संवेग होते हैं, इसी शिक्षा के द्वारा नियंत्रण किए जा सकते हैं। अनुशासन बनाने में सहायक शारीरिक शिक्षा बालकों में या मनुष्यों में अनुशासन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुशासन जो है वो शारीरिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी माना गया है। खेलों में विपरीत स्थिति होते हुए भी अनुशासन में रहना जो है वो बालकों को सिखाया जाता है। उसके बाद है सहन शक्ति बढ़ाने में सहायक शारीरिक शिक्षा जो है बच्चों की सहन शक्ति बढ़ाने में भी सहायक होती है। मानव के समुचित विकास के लिए सहन शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति में सहन शक्ति कम होती है या नहीं होती है, वे अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाते हैं। वहीं जब किसी व्यक्ति में सहन शक्ति अधिक होती है तो वह समाज में भली भांति अपने आप को समायोजित कर लेता है। और शारीरिक शिक्षा जो है वो ऐसे बहुत सारे अवसर प्रदान करती है जिनके माध्यम से बालक की जो सहन शक्ति है वो बढ़ती है। व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है शारीरिक शिक्षा। इसके अलावा चरित्र निर्माण जो है उसमें भी काफ़ी सहायक होती है। बालकों में सामाजिक, व्यावसायिक और नैतिक कार्यों के लिए उनकी जो योग्यता होती है वो बढ़ती है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को जटिलताओं, खतरों और प्रत्येक प्रकार के संकटों का सामना अच्छे ढंग से करने और प्रफुल्लित वातावरण में करने योग्य बनाती है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा मनोरंजन का अपना एक मनोरंजनात्मक महत्व भी होता है। शारीरिक शिक्षा केवल हमारे स्वास्थ्य को ही सुदृढ़ नहीं करती बल्कि इसके साथ साथ हमें मनोरंजन भी करती है, यानी कि उसके द्वारा हमारा मनोरंजन भी होता है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा का सामाजिक महत्व भी है, शारीरिक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट में समझाया तो ये आप एक बार अपने आप ब्रीफली पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू।